कश्मीर सभी आके एक बार जरूर आए और एंजॉय करें, भारत में रह के कश्मीर हम लोग एक्चुअल में नागपुर से हैं। मेरा नाम सोनिया बर्फ वाला है और हम लोग पहली बार दूधपत्री आए। पहले भी हम लोग कश्मीर आ चुके हैं लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, लोगों ने बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये पहलगाम और सोनबर्ग तो नॉर्मल हमेशा हर इंसान आता ही है, पर ये दूधपत्री थोड़ा हटके है तो जरूर आना चाहिए। हाँ, जरूर आना चाहिए यहाँ पे दूधपत्री में। ट्रिप में है, बिल्कुल है। किसने सजेस्ट किया आने के लिए? एक्चुअल में देखा था और मेरी एक कजिन ने भी बोला था, तो उसका देख के ही और उसकी सुन के ही हम लोग एक्चुअल में यहाँ आए। लोग बहुत अच्छे और हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत नॉर्मली है, ऐसा बहुत पहाड़ वाला नहीं है, लेकिन आने के बाद आना जरूर चाहिए यहाँ पे। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम मुबारिका कांचवाला है। फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं दूधपत्री, और ये कश्मीर तो पहले भी आ चुके हैं पर दूधपत्री पहली बार आए हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, पानी बहुत बेहतरीन है, चिल्ड फ्रीजर जैसा ठंडा पानी है और पीने में तो एकदम सुपर्ब है। एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो 45 डिग्रीज एंड अबव 47-48 डिग्रीज तक चला जाता है, बहुत गर्म होता है, बट यहाँ का वेदर इज एकदम प्रिटी गुड। अभी तो ऐसा है कि ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो वी आर एंजॉइंग द क्लाइमेट। कश्मीरीज आर रियली गुड एंड कश्मीर इज सेफ, एवरीबडी शुड विजिट कश्मीर। टूरिज्म बहुत अच्छा है, लोग बहुत प्यारे हैं, आना ही चाहिए सब। विदेश हम लोग बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं और सारी कंट्रीज में कश्मीर है, कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है। ओके, कश्मीर नहीं गया कोई है तो फिर वो कहीं का भी मजा नहीं ले पाया। हम सारी दुनिया देशवासियों को ये बोलना है कि सारी दुनिया एक तरफ और हमारा कश्मीर एक तरफ। वेरी नाइस। गाना हॉट है लेकिन, हाँ श्रीनगर में लेकिन थोड़ा स्पॉट पे जाके तो थोड़ा हिली फील होता है, अच्छा लगता है, मौसम ठीक है। क्या कहना चाहते हो बाकी लोगों को कश्मीर आने के लिए? हम सबको ये कहेंगे कि जरूर आके देखो, यहाँ जन्नत है। कश्मीर में आओ, एंजॉय करो और अपने। कितने बार कश्मीर में आए हो? हम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हो, इतना लेट कश्मीर क्यों आए हो? बस ऐसे डर की वजह से नहीं आए। हाँ? पहले हमारी कुछ मजबूरियां थी, अब हम फ्री हो गए इसलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ जी। तो रिटायर हो गया तो अब घूमने आया? लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ? कोई ईमानदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं NFL से रिटायर्ड हूँ, NFL यूनिट है हमारा। ओके। इंडिया में तो उससे रिटायर्ड हूँ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। हम इनवाइट करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ में ही आता है और कहीं पे नहीं आता। आप यहाँ से पहले कभी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है लाइफ में? नहीं, ऐसा नज़ारा नहीं मिला। गए हैं हम डलहौजी वगैरह, लेकिन मिलता जुलता नज़ारा है। कश्मीर तो कश्मीर है। सावन का महीना चल रहा है तो हम वेज खा रहे हैं। ओके, चलो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ शब्द? बस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आप। तो ये हम कहाँ देखेंगे आप?